हाय गाइस, तो आज है 23 सितंबर और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। उसका ब्लॉग भी अपलोड हो चुका है चैनल पे, इसका जस्ट लास्ट वाला वीडियो। बाकी फाइनली अच्छा लग रहा है, सही बताऊँ मैं, मतलब कि अब जाके अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई आ गए। नहीं तो रात में तो 1:30 बजे के आसपास आए, 1:30-2 बजे के आसपास, फिर हम लोग को नींद ही नहीं आई। फिर मैंने उनके जो खाना बुलवाया था ऑनलाइन वो सब खाया पिया, और इतना टाइम हो गया 3:30-4 बज गए थे हमें सोते सोते, एंड अभी 10:30 बजे। और मुझे क्योंकि नींद ही नहीं आई, सही बताऊँ, मुझे मतलब ऐसा लगा कि बस आ गए करके। और फिर मैंने वीडियो अपलोड भी कर दिया है, उसको एडिट करके, आप लोग उसको चेकआउट ज़रूर करिएगा। अभी मैं करती हूँ सफाई एंड देन फिर आप लोगों से मिलती हूँ कोई ब्रेकफास्ट के साथ में। हाय गाइस, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन को क्लीन, क्योंकि मेरी किचन काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। रात में हम लोग लेट सोए थे तो फिर बर्तन वगैरह ऑनलाइन बुलवाया था, लेकिन फिर भी थाली वगैरह घर पे यूज़ करी थी, ग्लास वगैरह यूज़ की, चाय बनाई थी तो काफ़ी बर्तन हो गए थे, साथ में प्लेटफॉर्म भी काफ़ी, मतलब जो गैस चूल्हा होता है वो भी थोड़ा ख़राब हो गया था। तो मैं सोचा सबसे पहले ये साफ़ कर लेती हूँ जब तक ये दोनों सो रहे हैं, क्योंकि ये लोग उठे थे लगभग 11:30 के आसपास और मैं उठ गई थी 10:30 बजे। तो उतनी देर में मैंने किचन भी क्लीन कर लिया था और ब्रश भी कर लिया था, नहा भी ली थी मैं, कंप्लीट रेडी हो गई थी। क्योंकि मेरा इच्छा थी कि मैं कहीं घूमने के लिए जाऊं, बिकॉज इतने दिन बाद, एक तो अभी तक क्या कहीं जा नहीं पाए, और हमारे हरदा में ऐसे कुछ मतलब नर्मदा जी हैं वो भी बहुत दूर हैं, और जहाँ पर है उसके बीच का रास्ता इतना ख़राब है कि तुम जाओगे तो भाई मतलब बिना गिरे पड़े तो आ ही नहीं सकते हो घर पर, इतना ज़्यादा कीचड़ और बहुत ज़्यादा। तो फिर इसके लिए मैंने सोचा एक काम करते हैं, यहाँ पे नियर बाई एक वाटरफॉल है जिसका नाम है गोराखाल, हम लोगों ने सोचा हम लोग वहाँ पर जाते हैं। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी साफ़ कर रही थी, मैंने कहा ये उठेंगे तब तक इनको बताऊँगी, उससे पहले घर साफ़ हो जाए, सब काम हो जाए, ताकि ये ना रहे कि यार ये काम बचा है कैसे जाएँ करके। तो इसीलिए जो है मैंने सारा कुछ साफ़ कर लिया, यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी क्लीन हो गया है मेरा। और देखो हमारे यहाँ की दीवार कितनी ख़राब हो गई है, हो रही है सरकारी क्वार्टर की, बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बरसात में यहाँ से आता है पानी। और मैं 2 बार पेंट कर चुकी हूँ इस जगह को, हम लोग 2 बार, एक बार हम लोगों ने पेंट करवाया और एक बार गवर्नमेंट की तरफ से जो आए थे वो करके गए, फिर भी इतनी ज़्यादा दीवार ख़राब है। खैर अब तो हम लोग ये घर छोड़ने ही वाले हैं तो इतना दिक्कत नहीं है, बट स्टिल देखो कितना ज़्यादा एकदम काला काला सा लगता है, उसको साफ़ भी कर लूँगी ना तो भी ऐसे ही रहता है वो। और तो बस यहाँ पे जो है मैं सोचूँ, फिर पहले नाश्ता बनाती हूँ, मैंने दाल उबाल दी बच्ची के लिए, यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी कर दिया, यहाँ पे दाल उबल गई है, यहाँ पे चाय बन गई है, और मैंने पोहे के लिए सारी तैयारी करके रख दी है। अब जैसे ये लोग उठेंगे मैं तुरंत पोहा बना दूँगी, अभी इसलिए नहीं बना के रख रही, फिर ठंडा हो जाता है, फिर उसको गर्म करो कड़क सा हो जाता है। ये हो गया है मेरा काम, यहाँ पर एवरीथिंग इज़ डन। आज हम लोग बनाएंगे दाल बाटी, तो बाटी तो क्योंकि हरिओम ही बनाते हैं तो इसलिए बाटी वो ही बनाएंगे। मैंने दाल उबाल ली है, देन उसको आगे बघार लूँगी। और ये दोनों अभी तक सो रहे हैं, मैंने इस कमरे की सफाई भी कर दी है। तो यहाँ पे उठ के ईशान भी खेल रही थी लूडो, और वो ऐसे ही खेलती है उल्टा सीधा सा, एंड उसके बाद जो है मैंने पोहा यहाँ पे सब बघारी, यहाँ पे वॉश कर रही थी पोहे को, नहा लिया था मैंने, और मैंने सोचा पोहा बना देते हैं, ये लोग उठे भी नहीं थे तब तक, फिर मैंने पोहा, मतलब कि हरिओम नहीं उठे थे, ईशान भी उठ गई थी, तो पोहा बना दिया उनके लिए। और फिर जैसे ही वो उठे उन्हें मैंने बोली मार्केट जाओ जलेबी लेकर आओ, क्योंकि मुझे पोहा जलेबी का जो कॉम्बिनेशन है वो बचपन से ही पसंद है, क्योंकि पापा जी पहले यही लाते थे ज़्यादातर, पोहा जलेबी घर पे पोहा बना लेते थे, जलेबी मार्केट से ले आते थे। तो फिर मैंने हरिओम को पहुँचाई मार्केट की तुम जलेबी लेकर आओ, फिर हम लोगों ने खाए पोहा जलेबी, चाय पी साथ में, थोड़े नमकीन वगैरह खाए, उसके बाद जो है हम लोग सीधे निकल गए गोराखाल के लिए। और कुछ और बातें करनी है वो मैं आपसे आगे करती हूँ ब्लॉग में। एंड पोहा बन के हो गया था रेडी, साथ में थी यहाँ पे चाय, बाजू में था दाल, और ये देखो हमने ऐसे खाया था जलेबी, चाय, उसके बाद नहीं चाय सॉरी पोहा जलेबी, वो मसाले हैं, उसके बाद नमकीन है, इस तरीके से हम लोगों ने खाया। और साइड बिछी थी योगा मैट जिसपे ईशानवी की ये सब मस्ती चल रही थी। मज़ा चखाना पड़ेगा, चलो बच्चा, चेन नहीं लगाया इनने, मज़ा चखाना पड़ेगा इनको। हाँ रखे ना, हाँ।
आ गई ना। बारिश आने वाली है। हाँ। पापा जी कहाँ हैं आपके? चलो बच्चा जाओ। ये शाम भी इतने दिन बाद पापा जी के साथ बैठे हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा वेरी अच्छा। क्या गुरु कृपा के पास नहीं है? रास्ता कवर कर लो एक बार, बस छोटा सा। और इनके पैर पढ़ो, ये वाले भगवान जी के। उनके पैर पढ़ो, पढ़ लो। चलो उनके पास चलो उधर। चलो पैर पढ़ो इनके को। आ जाओ पैर पढ़ो बेटा भगवान जी के। दीपा सुंदर तैयार हुए ना, है ना? ऐसे कर रहे हैं ना। ये वाला रास्ता सही है। सही है। वो तो क्या 15-20 किलोमीटर तो ये उद्देश्य अपने कोई वो थोड़ी है, वो तो जो पहनना वो पहन लेगा। बेबा ऑटो दोनों मनी प्लांट में बिल्कुल पानी नहीं है। हां आया सुर कम टू मम्मा, कम टू मम्मा मतलब मम्मा जी के पास आओ। देखो ऐसा हुआ था, हम लोग वाटरफॉल गए थे गोराखाल, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें ऐसा लग रहा था कि शाम हो जाएगी आते आते, और क्योंकि वाटरफॉल वगैरह इतने घने जंगल में होते हैं, और हम गए थे बच्ची के साथ में, हम तीनों अकेले थे, और कल था मंडे का दिन, मतलब कि ऐसा भी नहीं था, ऑफ डे था, तो लोग वहाँ पर अवेलेबल हों, तो वहाँ पर बिल्कुल क्राउड नहीं समझ में आ रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा कि हम लोग वहाँ पहुँच ही गए थे, ऑलमोस्ट कुछ ही किलोमीटर बचे थे, उसके बाद हम लोग रिटर्न हो गए, क्योंकि मतलब कम से कम 5-6 किलोमीटर का घना जंगल हम लोग पार करके गए, और पता नहीं क्यों कल अच्छी वाइब नहीं आई थी, फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न आ गए। और बस वहाँ से आने के बाद हम लोग गए खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट, क्योंकि हमारी घर में खाना बनाने की इच्छा नहीं हुई, दाल उबली रखी थी बट वो बच्ची ने आके खा ली थी बॉइल दाल, और फिर हम लोगों ने रेस्टोरेंट में खाना खाए, भिंडी की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी, रोटी, पराठा, लच्छा पराठा, आलू का पराठा, रायता, फ्रेंच फ्राइज, हरा भरा कबाब, ड्राई पापड़। एंड दिस इज बिल टाइम, हु इज गोना पे दिस? मुझे भी ऐसे दे दो ना। दे दे दे, हम तो यही तो बोल रहे थे पेप्पू। चल
घूम करोगे ना क्या? मैं नहीं कर रही, मेरा डाटा ही नहीं चल रहा। ये चाहिए हाँ, पैक करवा लेती हूँ ना बेटा। चलो आप खा रहे हो क्या मिश्री? और चलो ठीक है, फिर एक काम करो, बाहर चलते हैं, अपने शूज़ वगैरह लेते हैं। आपकी बॉटल का ढक्कन है ये, ये पैक करवा लो। इस साइड से आओ, घूम कर आओ। भैया बोलो जो वो पैक करेंगे आप आ जाओ। भैया कुछ करेंगे ना, लग गई थी क्या भैया? देखो सही, जरा ये देख रहे हैं क्या? उनको इशारा करके बताना पड़ेगा कि यहाँ एक प्लेट रखी है, एक प्लेट रखी है बाहर, एक प्लेट है वो हॉर्स से उसको उठा लेंगे। आप ले जाओ, प्लेट प्लेट आप ले जाओ, मतलब हम लोग जा रहे हैं। दिख रहा है ना आपको डॉग? डर तो नहीं लग रहा है? आपको डर लग रहा है? आगे धड़कता है, ये पावर दे दो भैया। ये क्या अंगूर है? सही में अंगूर है? ये सही में अंगूर है? गोरे गोरे लग रहे थे। अपन ने कभी नहीं खाए होंगे ना? अपन बहुत गरीबी से पले हैं, मतलब ये जगन्नाथपुरी के प्रसाद। और एक चीज़ और क्या लाए पापा जी? इसमें लाए खसखस, जो कि वहाँ पर बहुत सस्ती मिलती है, इसलिए मतलब हमारे लिए जो याद वाली चीज़ें लाए ना, वो ऐसी चीज़ लाए जो कि हम खा के निपटा देंगे एक महीने के अंदर। लाइक उन्होंने लाए हैं ये खसखस, वो जिसका हलवा वगैरह बनता है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में यार? इंग्लिश में तो खैर मुझे सही में नहीं पता है कि खसखस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट मैंने खाई है, मम्मी बनाती है, इसका हलवा बनाती है बहुत बार। इसका नाम क्या है यार बच्चू जी? कैश्यू लिखा है, पर ये तो कैश्यू नहीं है, पता नहीं इसका नाम। तो ये है, और इसके अंदर बताती हूँ मैं आपको, इसके अंदर है काजू। वन सेकेंड, इसके अंदर है काजू, और ये वहाँ पर मिले हैं खाली 500 रुपये किलो या 450 रुपये किलो, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली क्या कहा था उन्हें। कैश्यू मतलब कि काजू। खा के दिखाना जरा, नहीं अच्छी करती। बॉक्सिंग कर दी हमारी लड़की ने। ये है जगन्नाथपुरी के प्रसाद, अब मैं इनको अच्छे से प्लेट में रख लूँगी, थोड़ा थोड़ा गिरा भी दिया, इनको क्लीन करके खा लेंगे करके, और देखते हैं ये प्रसाद है। इसके अंदर शायद ये समोसे की पपड़ी, दिस इज आई डोंट नो यार, ये भी नहीं, ये तो वो है लाई, ये नमकीन, और नीचे क्या होगा पता नहीं मेरे को, देखते क्या क्या निकलेगा इसके अंदर, इनके अंदर नीचे।